तो दोस्तों आज ये वीडियो के अंदर आपको सीआरटी टीवी का नो लाइट प्रॉब्लम रिपेयर करके देखूंगा। रियली बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगा। आप पुराना टेक्नीशियन होगा, ये न्यू टेक्नीशियन होगा, आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेगा तो ये वीडियो के अंदर एक्स्ट्रा अलग से नॉलेज 100% मिल जाएगा। तो ये वीडियो शुरू से आप लास्ट तक वॉच कीजिए। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, मैं आपको प्रैक्टिकली वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाऊंगा कि नो लाइट प्रॉब्लम आपके पास आएगा तो कुछ भी टीवी हो सकता है, किस तरह आप रिपेयर कर सकते हो। बट चलिए, ये जो टीवी है ये लोकल टीवी है, बट तरीका सेम है, ठीक है। तो आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेगा तो नो लाइट प्रॉब्लम आपके पास आएगा तो आप आसानी से रिपेयर कर सकते हो। चलिए, मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो शुरू कर। तो दोस्तों आज आपको वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स A to Z नो लाइट प्रॉब्लम का ऊपर वीडियो प्रैक्टिकल रिपेयर करके देखूंगा, और उसका बाद जितना रीजन आता है नो लाइट प्रॉब्लम के ऊपर सब कुछ आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर आपको जो देखूंगा, तो दोस्तों ये सीआरटी मॉनिटर का पिक्चर ट्यूब है, इसका ये कॉइल देखने ही पता चल जाता है, और इसका ये पीसीबी है जो लोकल मार्केट का पीसीबी है, जो चाइना पीसीबी कहा जाता है। तो प्रॉब्लम को अच्छा करके देखिए किस तरह चेक करना पड़ेगा और किस तरह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसका जो प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, मैं सप्लाई दे दिया, आप ज़रूर सुना होगा कि इसका अंदर साउंड आ गया। मैं साउंड को म्यूट कर दिया क्योंकि साउंड का बजाय कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। इसका इंडिकेटर भी देखिए जल रहा है और कुछ भी लाइट इसका अंदर नहीं है। तो चलिए आपको दोबारा रिमोट लेके इसका म्यूट को मैं ऑफ किया, ऑन करके दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, साउंड को फिर भी मैं म्यूट कर दिया, मतलब इसका अंदर साउंड है, लाइट नहीं है। तो लाइट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा रिमोट लेके कि इसका मेनू बटन, कुछ भी बटन पुश करके, कि चलिए मैं मेनू बटन पुश करके देखता हूँ कि देखिए स्क्रीन का अंदर कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है, तो मतलब ये नो लाइट है। तो उसका बाद क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों ये जो ESD है, ESD का नीचे वाला जो पिन है, ठीक है, ये जो नीचे वाला पिन है, ये नीचे वाला पिन को आपको घुमा के देखना पड़ेगा। दोस्तों ये घुमाने के बाद भी कुछ भी स्क्रीन का अंदर देखिए रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ भी लाइट नहीं आ रहा है। बट दोस्तों ये टीवी चालू है, मैं ऑडियो वीडियो सिग्नल इनपुट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए दोबारा आपको साउंड के जो म्यूट बॉटम है सेटअप बॉक्स का पुश करके दिखाता हूँ। चलिए मैं म्यूट कर दिया। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है कैसे रिपेयर किया जाता है, तो कौन कौन वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, तो चलिए मैं मीटर को थोड़ा सेट कर लेता हूँ, सेट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मीटर को मैं सेट किया, मीटर को अभी ये जो AC रेंज है 200 AC रेंज और 600 AC रेंज, दोनों रेंज है मीटर के अंदर। मैं 200 AC रेंज पर मीटर को सिलेक्ट किया और मीटर का नेगेटिव पार्ट को आपको पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव पार्ट, कुछ भी नेगेटिव पोजीशन पर आप लगा सकते हो, मीटर का नेगेटिव पार्ट मैं यहाँ लगाया। फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा कि जो फिलामेंट सप्लाई होता है, फिलामेंट सप्लाई दोस्तों कौन सा है कि ये जो फर्स्ट पिन ये ओपन रहता है, कुछ कुछ टीवी का नेगेटिव के साथ कनेक्शन देखा जाता है, और उसका बाद दोस्तों ये जी कैथोड का पिन है, ये छोड़ना पड़ेगा। उसका बाद दोस्तों ये फिलामेंट सप्लाई का पिन है। मीटर पर फिलामेंट वोल्टेज AC 4-5 वोल्ट के आसपास आना चाहिए, कुछ भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं है, तो हो सकता है ये नेगेटिव। तो चलिए इसका दूसरा मतलब 3-4 पिन चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों 0-0 ये वोल्ट शो हो रहा है, क्या इस तरह क्यों हो रहा है। तो चलिए दोबारा ये ओपन करके फिर भी एक बार लगा के देखता हूँ। तो दोस्तों आप अच्छा करके फॉलो कीजिए, यहाँ पर जब मैं टच कर रहा हूँ तो आपको मीटर को अच्छा करके देखना पड़ेगा, इसका सिम्टम देखिए किस तरह आ रहा है। अब मीटर पर भी फॉलो कीजिए, ठीक है, देखिए
इसका सिम्टम को अच्छा करके फॉलो कीजिए। देखिए ये जो पिन है 1 2 3 ये 4 नंबर पिन, ठीक है, 3 4 फिलामेंट होता है। यहाँ पर टच करने का बाद देखिए ये वोल्ट 0 0 हो गया। देखिए मीटर कॉर्ड को मैं हटाया और उसका बाद फिर भी देखिए, ये देखिए इस तरह वोल्टेज शो हो रहा है। मतलब एसी 4-5 वोल्ट के आसपास जो होना चाहिए ये वोल्ट नहीं है, बट 3 नंबर पिन पर टच करने के बाद भी दोस्तों इसी तरह शो हो रहा है। मतलब यहाँ पर फिलामेंट वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो फिलामेंट वोल्ट क्यों नहीं आ रहा है? तो फिलामेंट सप्लाई का जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है पीसीबी का, ये पिन पर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर वोल्टेज तो दोस्तों 3 वोल्ट आने के बाद ये ड्रॉप हो गया। देखिए मीटर कॉर्ड को हटाया, आप अच्छा करके फॉलो कीजिए। ये देखिए इस तरह वोल्टेज आने के बाद ये ड्रॉप हो गया। तो चलिए ये साइड पर एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये साइड पर भी वोल्टेज नहीं है, ये देखिए वोल्टेज आने के बाद ये चला जाता है। क्या है इसका फॉल्ट? तो चलिए दोबारा मैं चेक करके देखता हूँ। तो दोस्तों फिर भी ये साइड पर भी वोल्टेज नहीं है और ये साइड पर भी देखिए वोल्टेज आने के बाद ये चला जाता है। ये साइड पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है और ये साइड पर, तो दोस्तों ये साइड पर भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? फिलामेंट सप्लाई तो नहीं है, तो उसका बाद देखना पड़ेगा कि G2 सप्लाई। तो G2 पिन कौन सा है? ये जो पिन, ये G2 पिन है। मतलब कितना नंबर पिन? 1 2 एक नंबर पिन ओपन, 2 नंबर पिन बी कैथोड और 3 4 फिलामेंट और उसका बाद रेड कैथोड और उसका बाद ये G2 पिन है। यहाँ पर भी दोस्तों ओनली 13 वोल्ट। तो दोस्तों 13 वोल्ट ये एसी रेंज पर सिलेक्ट किया, तो चलिए मैं डीसी रेंज पर, डीसी 200 रेंज पर मैं सिलेक्ट किया, ठीक है, मीटर को सिलेक्ट किया और G2 वोल्ट यहाँ पर टेस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों G2 वोल्ट यहाँ पर भी 0 है। देखिए G2 वोल्ट यहाँ पर भी 0 है, G2 वोल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है। दोस्तों G2 वोल्ट नहीं मिलेगा तो तब भी नो लाइट प्रॉब्लम मिलेगा, फिलामेंट सप्लाई नहीं मिलेगा तो तब भी नो लाइट प्रॉब्लम मिलेगा। तो दोस्तों इसका दोनों वोल्टेज एक साथ मिसिंग, ये कभी नहीं हो सकता है। तो एक्चुअली क्या लग रहा है, इसका फॉल्ट क्या है? ESD फॉल्ट हो सकता है क्या? तो चलिए ESD ओके है कि नहीं है ये भी टेस्ट करना पड़ेगा। किस तरह टेस्ट करना पड़ेगा? तो एक टेस्टर लेना पड़ेगा। तो दोस्तों टेस्टर अभी मेरे पास नहीं है, चलिए मैं ढूंढ के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी मेरे पास ये टेस्टर है, ठीक है, ये टेस्टर लेके ये जो ESD है, ESD का ये बॉडी का पास आपको टेस्ट करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों बॉडी का पास टच करने के बाद टेस्टर जल रहा है, आप अच्छा करके देखिए। आप थोड़ा सा दूर रखेगा तब भी टेस्टर जलेगा, आप देख सकते हो ये टेस्टर जल रहा है, और थोड़ा दूर करेगा तो टेस्टर नहीं जलेगा। और ये बॉडी पर भी आप टच करके देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। देखिए टेस्टर अभी जल रहा है और ये जो कोड है इसका अंदर टच करने के बाद भी दोस्तों देखिए टेस्टर जल रहा है। मतलब ESD बन रहा है, ESD बनेगा तो तब टेस्टर जलेगा। तो चलिए उसका बाद किस तरह चेक करना पड़ेगा, चलिए मैं PCB को थोड़ा उल्टा करके एक बार देख लेता हूँ और कुछ अलग अलग वोल्टेज टेस्ट करके देखूँगा कि क्या इसका प्रॉब्लम है। तो दोस्तों चलिए TV तो अभी ऑन है, सप्लाई को मैं ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद किस तरह इसको फास्ट एक बार ये बेस बोर्ड को अच्छा करके देखना पड़ेगा। चलिए बेस बोर्ड ओपन करने के बाद एक बार देखता हूँ क्या इसका फॉल्ट है, G2 वोल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों G2 वोल्ट नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा, ये भी आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा। देखिए ये जो बेस बोर्ड है, ये देखिए बेस बोर्ड को अच्छा करके फॉलो करने के बाद आप देख सकते हो कि इसका अंदर जो G2 पिन है ये पूरा बाहर है। देखिए G2 पिन जो है पूरा बाहर कनेक्शन है, मतलब बेस बोर्ड को बाहर करके ये जो बेस बोर्ड का एक पिन है इसका साथ ये जो G2 वायर है ESD का, ये जो G2 वायर है इसको कनेक्शन कर दिया गया है। आप अच्छा करके देखिए ये जो G2 वायर है, ये नीचे वाला G2 वायर जो ये नीचे वाला ESD का कंट्रोलर घुमाने के बाद जो लाइट आता है, ठीक है, इसका ऊपर कनेक्शन है। तो इसीलिए दोस्तों बेस बोर्ड का नीचे वोल्टेज नहीं मिल रहा है।
तो ये पीएफ जब शॉर्ट हो जाएगा, हो सकता है लीकेज होने के बाद भी नो लाइट प्रॉब्लम आता है। ठीक है दोस्तों, ये पीएफ लीकेज होने का बाद बजाय दोस्तों ये पीएफ मीटर का अंदर चेक करेगा तो दोस्तों ये 102 का पीएफ है 2kV वोल्ट का, तब भी ओके दिखाएगा, तब भी ये पीएफ फॉल्ट होने के बाद नो लाइट प्रॉब्लम दिखा जाता है। ठीक है, तो इसका ये जो G2 का पॉइंट है इसका अंदर कुछ भी कनेक्शन नहीं है। मैं अच्छा करके चेक करके देखा, ये पूरा ओपन है, इसलिए इसका अंदर वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पर चेक करने के बाद ज़रूर वोल्टेज मिल जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, बेस बोर्ड को मैं यहाँ पर इस तरह रखता हूँ, रखने के बाद एक बार सप्लाई देकर वोल्टेज चेक करके देखूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई मैं दे दिया और मीटर को 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट करके रखा हूँ। और ये जो G2 का पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों हाई वोल्ट शो हो रहा है। देखिए यहाँ पर टच करने के बाद मीटर का अंदर देखिए, ये देखिए ये लोड दिखा रहा है। चलिए 600 वोल्ट पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके एक बार देखता हूँ कितना वोल्ट आ रहा है। दोस्तों 340 वोल्ट आ रहा है अभी इसी टाइम, आप अच्छा करके देखिए यहाँ पर 340 वोल्ट आ रहा है। कितना वोल्ट? 340 वोल्ट एसी वोल्ट, सॉरी डीसी वोल्ट। ठीक है, चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। तो इसका मतलब तो दोस्तों कि वोल्टेज आ रहा है, G2 वोल्टेज आ रहा है। और आप देखिए कि ये जो ESD सब कुछ, ये कॉइल सब कुछ कनेक्शन है, इसलिए इतना हाई वोल्ट दिखा रहा है। और आप PCB को बाहर करके टेस्ट करेगा तो इतना वोल्ट नहीं दिखाएगा। तो चलिए एक बार DC रेंज पर रख के, 600 रेंज पर रख के एक बार टेस्ट करके देखता हूँ कि कितना वोल्ट मिल रहा है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया और अभी इसी टाइम AC वोल्ट कितना आ रहा है, तो AC वोल्ट देखिए ये 400 हो रहा है। तो चलिए आपको एट ए टाइम एक साथ दिखाता हूँ। देखिए ये मीटर करके टच करके देखिए 60 वोल्ट दिखाने के बाद वो 4 वोल्ट हो गया। चलिए फिर भी आपको दिखाता हूँ, देखिए इस तरह ये वोल्ट शो हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, इतना देखने का ज़रूरत नहीं है, मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया। आपको DC वोल्ट कितना आ रहा है ये आपको चेक करके दिखाया। ठीक है, और उसका बाद चलिए ये कनेक्शन कर देता हूँ। कनेक्शन करने के बाद, ये बेस बोर्ड को कनेक्शन करने के बाद आपको PCB का नीचे साइड दिखाता हूँ। तो दोस्तों बेस बोर्ड को मैं कनेक्शन किया और ये PCB को बाहर कर लेता हूँ अच्छा करके काम करने के लिए। इसका AV2 लाइन को मैं डिसकनेक्ट कर दिया, सेंसर और बॉटम स्विच का कनेक्शन, स्पीकर का दोनों कनेक्शन, ठीक है सब कुछ आउट कर दिया। और इसका जो डिगोसिंग ऑयल का ऑयल पहले से ही ओपन है, AC कॉर्ड यहाँ पर कनेक्शन है। तो अच्छा करके काम करने के लिए आपको इस तरह सब कुछ ओपन करना ही पड़ेगा। तो चलिए PCB को उल्टा करके और आपको दिखाता हूँ अच्छा करके कि ये प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट दोस्तों टारगेट करना पड़ेगा कि G2 वोल्टेज तो चेक करके देखा है आपको कि मिल रहा है। तो उसका बाद ये जो ESD है, ठीक है ये जो ESD है 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों ये 8 नंबर पिन फिलामेंट सप्लाई का, ठीक है और ये ABL का और ये 180 वोल्ट का। तो ये सब वोल्ट एक बार चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करके देखूँगा कि ESD तो बन रहा है। ESD जब बनेगा तो 180 वोल्ट ये जो पिन है, ये पिन का ये डायोड का पॉजिटिव लाइन पर यहाँ पर 180 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, और ये दोस्तों यहाँ पर DC वोल्ट मिलता है और ये ABL लाइन है। ABL जो लाइन ये जा रहा है, बीच में एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ से ये IC के अंदर चला गया। ये ABL लाइन का वोल्टेज प्रॉब्लम हो जाएगा तो तब भी दोस्तों नो लाइट प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये भी आप चेक करके एक बार देख लीजिए। और उसके बाद ये फिलामेंट सप्लाई अभी गड़बड़ लग रहा है, तो फिलामेंट लाइन को मैं देखूंगा। ये जो फिलामेंट लाइन ये जा रहा है, बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ये 1 ओम्स 2.2 ओम्स इस तरह रेजिस्टेंस यहाँ पर देखा जाता है। और ये जो लाइन जा रहा है ये जो जैक का पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ से डायरेक्ट बेस बोर्ड पर जाता है। तो चलिए मीटर एक बार वोल्टेज चेक करके आपको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर DC वोल्ट, ठीक है मीटर को DC 200 रेंज पर सिलेक्ट किया और सप्लाई देख के दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं सप्लाई दे दिया, ठीक है सप्लाई देने के बाद फर्स्ट चेक करूँगा जब ESD बनेगा। ESD बनने का बाद
दोस्तों ये लाइटिंग का वजह बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये डायोड पर कितना वोल्ट, तो देखिए 164 वोल्ट, जो 180 वोल्ट लाइन है यहाँ पर 160 वोल्ट। तो दोस्तों कोई बात नहीं, ये वोल्टेज से भी कम चल जाता है, ऐसा नहीं है कि 180 वोल्ट ही मिलना चाहिए। तो अलग अलग टीवी के अंदर अलग अलग वोल्ट देखा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, उसका रीजन ESTV हो सकता है, उसका रीजन बूस्ट पीएफ भी हो सकता है, ठीक है। इसका अंदर जब बूस्ट पीएफ इसका वैल्यू का ऊपर ये वोल्ट डिपेंडेड है। तो चलिए कोई बात नहीं, 100 यहाँ पर 64 वोल्ट मिल रहा है। तो ये AC वोल्ट है और ये जो पिन है यहाँ पर 110 वोल्ट। तो दोस्तों ESTV सप्लाई जितना इस तरह वोल्टेज देखा जाता है, तो इसका ESTV सप्लाई 103, इसलिए यहाँ पर 103 मिल रहा है। तो ये दोस्तों ESTV सप्लाई का पॉइंट है, ESTV सप्लाई देखिए 103 वोल्ट सेम है, ठीक है। जब ESTV बन जाएगा तो दोस्तों ये जो आउटपुट कलेक्टर, ये आउटपुट जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन है, यहाँ पर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। अब चलिए मीटर पर फॉलो कीजिए, मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ओ माय गॉड, ये मीटर के अंदर 105 वोल्ट मिल रहा है। अब अच्छा करके देखिए, ESTV बन रहा है तब भी आउटपुट जो कलेक्टर पिन पर आउटपुट ट्रांजिस्टर का, यहाँ पर 105 वोल्ट मतलब ESTV सप्लाई जैसा सेम वोल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों एक्चुअली आपको बहुत मीटर के अंदर टेस्ट करके दिखाया कि ये पोजिशन पर वोल्टेज देखने को नहीं मिलता है। लोकल मीटर होगा तो वो भी ख़राब हो सकता है, बट दोस्तों ये मीटर के अंदर वोल्टेज तो हो रहा है, बट दोस्तों ESTV बन रहा है। अच्छा करके देखिए, तो इसी लिए आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, जो फिलामेंट सप्लाई जो हीटर पिन, यहाँ पर दोस्तों वोल्टेज नहीं मिल रहा है, देखिए पूरा 00। तो चलिए सॉरी दोस्तों, ये AC रेंज करना पड़ेगा। चलिए मैं AC 200 रेंज पर सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर फिलामेंट सप्लाई कितना है, ओ माय गॉड। तो दोस्तों फिलामेंट सप्लाई ESTV पर भी नहीं मिल रहा है। तो चलिए दोबारा मीटर कोड को आउट किया और फिर भी टेस्ट करके देखता हूँ। देखिए 8 वोल्ट शो होने का बाद ये 0 हो गया। तो चलिए फिर भी एक बार देखता हूँ। तो दोस्तों तब भी ये 0 है और ये सप्लाई जो जा रहा है बीच में एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर भी 0 है और रेजिस्टेंस का आउटपुट पर भी 0 है। तो क्या होता है, कुछ कुछ मीटर मार्केट के अंदर है जिस मीटर से आप AC रेंज पर रख के फिलामेंट सप्लाई चेक करेगा तो फिलामेंट सप्लाई देखने को नहीं मिलता है। ये मीटर का पाँच चार के फॉलो कीजिए। तो दोस्तों ये मीटर का पाँच चार के फॉलो कीजिए, यूनिटी टी मीटर है, यहाँ से फिलामेंट वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो चलिए एक बार ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का एक बार मेजर करके देखूँगा। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद मीटर को, चलिए कॉन्टिन्यूटी मोड पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। मीटर को क्वांटिटी मोड पर सिलेक्ट किया, मीटर का दोनों कॉर्ड ले लेता हूँ, दोनों कॉर्ड को एक बार टच करके देखता हूँ। तो दोस्तों देखिए अभी बाजर बज रहा है। तो अभी इसी टाइम ये जो दो रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस को एक बार चेक करना पड़ेगा। सॉरी, ये जो रेजिस्टेंस है मीटर का दोनों कॉर्ड टच करके एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस ओके है कि नहीं है। ओ माय गॉड, दोस्तों ये रेजिस्टेंस को इस तरह चेक करने के बाद भी इसका कॉन्टिन्यूटी दे रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो फिलामेंट सप्लाई रेजिस्टेंस चेक करने के बाद भी इसका कॉन्टिन्यूटी दे रहा है, क्या लग रहा है। तो चलिए ये रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस को आपको एक बार दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा ये डाउट चल रहा है कि ये रेजिस्टेंस थोड़ा काला हो गया। तो ये रेजिस्टेंस का एक बार ओपन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों कैमरा को मैं थोड़ा सा सेट किया क्योंकि आपको अच्छा करके दिखाना पड़ेगा प्रैक्टिकली, नहीं तो आपका मन में बहुत कुछ डाउट हो सकता है। ये जो रेजिस्टेंस को मैं एक बार ओपन करके देखिए, मैं रेजिस्टेंस को ओपन किया और इसका ये काला हो गया, इसका वैल्यू कितना है कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो कोई बात नहीं, देखिए मीटर को मैं बाजार रेंज पर सिलेक्ट किया, ये क्वांटिटी दे रहा है 1 ओम्स, 2.2 ओम्स, जितना भी ओम्स ये फिलामेंट सप्लाई रेजिस्टेंस होगा सभी बाजार बाजेगा। तो देखिए दोस्तों, देखिए ये क्वांटिटी मोड पर आपके मैं टेस्ट कर रहा हूँ, बाजार नहीं बाज रहा है और रीडिंग देखिए कुछ भी रीडिंग नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह प्रॉब्लम जब आता है, इसीलिए
बहुत न्यू न्यू टेक्नीशियन वो बताता है कि सर मैं सब कुछ पार्ट्स चेक करके देखा, सब कुछ पार्ट्स ओके है, तब भी फिलामेंट नहीं जल रहा है। और वो बताएगा कि फिलामेंट सप्लाई आउटपुट नहीं हो रहा है, तो क्या है, क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों इसका मतलब हो सकता है ESD खराब है, ठीक है। बट दोस्तों अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस भी ओपन हो गया। तो चलिए मान लो रेजिस्टेंस ओपन हो गया, ठीक है, तो ESD से फिलामेंट सप्लाई आउटपुट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ESD को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि आप ESD चेंज करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कि मान लो ESD से फिलामेंट सप्लाई आउटपुट नहीं हो रहा है, तो आपको एक वायर लेना पड़ेगा। चलिए किस तरह करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको इस तरह कुछ भी वायर लेना पड़ेगा, ओनली एक वायर काम चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं एक वायर ले लेता हूँ, कुछ भी एक वायर आप ले सकते हो। वायर थोड़ा लंबा होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा लंबा वायर यहाँ पर लगेगा, ठीक है दोस्तों, थोड़ा लंबा वायर यहाँ पर लगेगा। और आपको देखूँगा पूरा प्रैक्टिकली, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, कोई बात नहीं। बट मेनली न्यू टेक्नीशियन को बताना चाहता हूँ, कभी नो लाइट प्रॉब्लम आएगा तो आप आसानी से किस तरह रिपेयर कर सकते हो। देखिए ये मैं एक वायर ले लिया, ठीक है, इस तरह छोटा सा वायर ले लिया। ये वायर को देखिए मैं इस तरह डिवाइड किया, ठीक है, इस तरह डिवाइड किया। और चलिए थोड़ा ये पोजिशन मैं ले लेता हूँ, लेने के बाद और थोड़ा ये पोजिशन ले लेता हूँ। और उसके बाद ESD का जो ये कोड है, ये कोड का अंदर आपको इस तरह लेपटना पड़ेगा, तो आपका लैंग्वेज से आप बता सकते हो। मैं हिंदी बहुत प्रॉब्लम आता है, इसलिए दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं हिंदी बताने के लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। देखिए एक टर्न मैं दे दिया, दो टर्न मैं दे दिया, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, और तीन टर्न मैं दे देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तीन टर्न दे देता हूँ। ये देखिए तीन टर्न मैं दे दिया, ठीक है। तीन टर्न देने के बाद इसको मैं इस तरह, अब आपको मैं जिस तरह प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ये आपका अच्छा के बताने के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए इस तरह मैं कर दिया, और चलिए फिर भी इसको टाइट कर देता हूँ, ठीक है। तीन टर्न मैं लगा यहाँ पर, आपको और अच्छा करके देखूँगा और क्या करना पड़ेगा। तो जो फिलामेंट सप्लाई है, देखिए बेस बोर्ड का अंदर जो फिलामेंट पॉइंट है, ये जो दो वायर है, ठीक है, ये जो दो वायर है, ठीक है, अच्छा करके देखिए, ये जो दो वायर है, ये दो वायर को आपको सोल्डरिंग करना पड़ेगा। ये दो वायर से AC 4 से 5 वोल्ट का अंदर आउटपुट मिल जाएगा। तो कितना वोल्ट मिलेगा ये भी आपको वीडियो के अंदर देखूंगा, बट आप थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए कितना नंबर पिन आपको बताया है पिक्चर ट्यूब का, ये बिग बेस है, ये फास्ट पिन ओपन रहता है बट नेगेटिव के साथ कनेक्शन है। ये दो नंबर पिन, कैथोड पिन, और तीन चार, ये तीन चार पिन का साथ आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये फिलामेंट सप्लाई के लिए, हो सकता है ESD खराब है, इसलिए आपको दिखाता हूँ। बाद में एक बार ये रेजिस्टेंस रिप्लेस करके भी एक बार देखूंगा। देखिए दोस्तों इस तरह मैं कर दिया, और कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए एक बार सप्लाई देके देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, सप्लाई दे दिया। तो दोस्तों देखिए फिलामेंट जल रहा है, आपको फर्स्ट टाइम नहीं दिखाया, अभी देखिए फिलामेंट जल रहा है। और स्क्रीन का अंदर दोस्तों देखिए लाइट भी आ गया, पिक्चर भी आ गया। तो आप अच्छा करके देख सकते हो। तो चलिए अभी यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं, एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर लगाया मीटर कॉइल को, और मीटर को दोस्तों AC रेंज पर करना पड़ेगा, ठीक है। AC 200 रेंज पर मैं सिलेक्ट किया, ठीक है। और अभी इसी टाइम कितना वोल्ट यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, तब भी दोस्तों देखिए 0 वोल्ट मिल रहा है, कुछ भी वोल्टेज नहीं है, हो सकती है नेगेटिव चली ये पिन पर। तो दोस्तों 3 वोल्ट आने के बाद ये ड्रॉप हो जाता है इस तरह, देखिए। फिर भी मीटर कॉइल को मैं ओपन किया, फिर भी टच करके दिखाता हूँ, ये देखिए। मतलब ये मीटर से AC वोल्ट फिलामेंट सप्लाई वोल्ट चेक नहीं किया जाता है,
ठीक है, वोल्टेज आने के बाद वो ड्रॉप हो जाता है साथ साथ, मतलब मीटर का अंदर नहीं देखा जाता है। तो ये तो मैं कनेक्शन करके आपको प्रैक्टिकली पिक्चर लेके दिखाया। और चलिए रेजिस्टेंस लगाने के बाद ज़रूर दोस्त इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक रेजिस्टेंस लेके आपको लगा के देखूँगा और ये सब आउट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम मीटर को बार्जर रेंज पर मैं सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का एक बार आपको तो मेजर करके दिखाया, तब भी इसी टाइम आपको एक बार देखाऊंगा मेजर करके। और फर्स्ट देखिए ये 1 ohms का एक रेजिस्टेंस है, देखिए ये 1 ohms का रेजिस्टेंस है। तो कोई बात नहीं, ये रेजिस्टेंस क्वांटिटी मिल रहा है। और ये जो रेजिस्टेंस, इसका क्वांटिटी आपको फर्स्ट देखा है, देखिए कुछ भी क्वांटिटी नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं ये रेजिस्टेंस कनेक्शन करके एक बार देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है। देखिए दोस्तों आपका सामने मैं रेजिस्टेंस को लगाया और ये सब कनेक्शन तो मैं आउट कर दिया, आपको दिखाया, आपको बताया। तो चलिए अभी एक बार सप्लाई देके देखता हूँ। दोस्तों सप्लाई मैं दे दिया और फिलामेंट जल, तो दोस्तों देखिए फिलामेंट अभी जल रहा है और देखिए पिक्चर भी होके आ गया। दोस्तों आप देख सकते हो आपका सामने ही मैं कितना तरीका से आपको ये ऑन करके दिखाया। एक बार म्यूट बटन में ऑफ करके रखा, ऑन करके दिखाता हूँ। ओ दोस्तों सॉरी, स्पीकर का वायर तो ओपन है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं। और दूसरा बात, साउंड दिखाने का बात, तो साउंड दिखाने का तो ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली लाइट प्रॉब्लम। तो दोस्तों अब क्या देखा कि फिलामेंट सप्लाई मीटर पर नहीं मिल रहा है, तब भी दोस्तों एक्चुअली कुछ कुछ मीटर मार्केट का अंदर है जिस मीटर का अंदर, तो दोस्तों AC वोल्ट फिलामेंट सप्लाई चेक नहीं किया जाता है। जिस तरह तो दोस्तों DM98 मॉडल का जो मीटर है वो बढ़िया सा मल्टीमीटर है, बहुत कुछ उसका अंदर चेक किया जाता है, पर दोस्तों वो मीटर का अंदर भी AC वोल्ट इस तरह चेक अब नहीं कर सकते, मतलब जो फिलामेंट सप्लाई वोल्ट, अदरवाइज AC वोल्ट आप चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के ऊपर आप लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो दोस्तों ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं एक टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे दूंगा, आप वो टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होके कुछ भी प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, सब कुछ बिल्कुल फ्री में। थैंक यू दोस्तों।